नमस्कार दोस्तों, क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय सरकारी आदमी विद द परमिशन ऑफ वाइफ सेकंड मैरिज कर सकता है? मतलब पहले पत्नी के जीवित रहते हुए क्या सरकारी आदमी अपनी पहली पत्नी से कंसेंट लेके रिटर्न परमिशन लेके दूसरी शादी कर सकता है? देखिएगा कि पत्नी को यहाँ पे किस तरह का ऑब्जेक्शन नहीं है। 494 IPC का मुकदमा पत्नी द्वारा नहीं किया जा रहा। इसी परिस्थिति में अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय विद द परमिशन ऑफ फर्स्ट वाइफ विदाउट गिविंग डाइवोर्स टू हर अगर सेकंड मैरिज कर लेता है तो उसकी सरकारी नौकरी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, या फिर बात करें कि सर्विस रूल्स के अंदर इस बारे में क्या प्रावधान है। इस टॉपिक में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली अभी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का जजमेंट है जहाँ पे हस्बैंड द्वारा सेकंड मैरिज की गई विद द परमिशन ऑफ वाइफ। ही वॉज एम्प्लॉयड इन स्टेट गवर्नमेंट सर्विस और उसकी नौकरी चली गई। जानकारी समझने के लिए, इस मामले को समझने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, प्रेस द बेल आइकन। देखिए, जैसे हम जानते हैं कि अगर पर्सनल लॉज या कस्टम्स अलाउ नहीं करते सेकंड मैरिज के लिए बिना तलाक दिए, पहले स्पाउस को बिना तलाक दिया है उसके जीवित रहते सेकंड में चलाओ नहीं है, और अगर ऐसा किया जाता है तो सामने वाली पार्टी IPC 494 के तहत आप मुकदमा दर्ज कर सकती है। और अगर वो साबित हो जाता है, सेकंड मैरिज साबित होती है विदाउट डिवोर्स टू फर्स्ट वाइफ और फर्स्ट हस्बैंड, तो उसमें सजा का प्रावधान है। अब रिसेंटली एक ऐसा इंसिडेंट आया है कि जहाँ पे पति ने पत्नी से परमिशन लेके सेकंड मैरिज की। पत्नी द्वारा यहाँ पे कोई भी मुकदमा पति पे नहीं किया गया। 494 का किसी भी तरह का मुकदमा नहीं किया गया। पत्नी ने यहाँ पे अपनी रिटर्न कंसेंट दी है, परंतु यहाँ डिपार्टमेंट ने इसको एक तरह का मिसकंडक्ट माना है और उनकी सर्विस को सस्पेंड कर दिया गया है। इस सस्पेंशन को चैलेंज किया गया हस्बैंड द्वारा, तो हाईकोर्ट से भी इनको कोई रिलीफ नहीं मिला। लेकिन मामला कुछ इस प्रकार है कि यहाँ पे जो पिटिशनर है वो छत्तीसगढ़ स्टेट के अंदर पुलिस कांस्टेबल की नौकरी पर तैनात है। हुआ ऐसा कि पहली पत्नी से उन्होंने कंसेंट लेके सेकंड मैरिज कर ली विदाउट गिविंग डाइवोर्स टू फर्स्ट वाइफ। अब यहाँ से गड़बड़ उनसे ये हो गई कि उन्होंने अपने सर्विस रिकॉर्ड के अंदर जो सेकंड पत्नी थी और उनसे जो चाइल्ड हुआ था उसका नाम ऐड कराने के लिए एक एप्लीकेशन दी थी। सर्विस रिकॉर्ड के अंदर मतलब जो नॉमिनी होंगे उनके नाम ऐड करने के लिए एक एप्लीकेशन दी, जहाँ पे उन्होंने बकायदा रिटर्न में लिख दिया कि मैंने अपनी पहली पत्नी के कंसर्न से, रिटर्न कंसर्न से दूसरी शादी की है, ये मेरी दूसरी पत्नी है और इससे मेरा ये चाइल्ड हुआ और इनके नाम ऐड कराना चाह रहा हूँ। बस उनसे यही गलती हो गई, क्योंकि छत्तीसगढ़ सिविल सर्विस कंडक्ट रूल 1965 सेक्शन 22 के हिसाब से अगर कोई व्यक्ति दूसरी शादी करता है बिना तलाक दिए पहली पत्नी को, तो उसको स्टेट से परमिशन लेनी होगी। यहाँ पे उनसे पूछा गया कि आपने स्टेट से परमिशन ली है, मतलब जो भी अथॉरिटी है जिसके अंडर भी एम्प्लॉय है, क्या उनसे परमिशन ली गई? जिसका जवाब दिया गया कि नहीं, मैंने किसी प्रकार की परमिशन नहीं ली, मैंने अपनी पत्नी से रिटर्न कंसेंट ली है। लेकिन उनका जवाब जो रूल 22 है, छत्तीसगढ़ सिविल सर्विस रूल 1965 को सेटिस्फाई नहीं कर पाया और उनके अगेंस्ट डिपार्टमेंट इंक्वायरी हुई। इंक्वायरी में पाया गया कि हाँ, इन्होंने दूसरी शादी की है विदाउट गिविंग डाइवोर्स टू फर्स्ट वाइफ, और उनको सस्पेंड कर दिया गया। इस ऑर्डर के अगेंस्ट जब वो हाईकोर्ट गए तो सिंगल बेंच जज ने भी इस ऑर्डर को रिवोक करने से मना कर दिया। जब ये मैटर DB में गया तो DB के अंदर भी इसी रूल का हवाला देते हुए उनके सस्पेंशन को रिवोक नहीं किया गया। तो देखिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए जानना बहुत जरूरी है कि उनके जो सर्विस रूल्स हैं उनके हिसाब से उनको चलना है। जैसे कि हर स्टेट अपने एम्प्लॉयज़ के लिए एक सर्विस रूल्स बनाता है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस है तो उनके लिए CCS 1966 है, तरह हर स्टेट में इस तरह के सर्विस रूल्स बनाए जाते हैं। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को हमेशा इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे पिटिशन से गलती हो गई कि उन्होंने खुद नहीं डिक्लेयर कर दिया कि मैंने दूसरा विवाह किया है अपनी पहली पत्नी से परमिशन लेके, क्योंकि वो लगा कि पत्नी ने परमिशन दी है तो 494 मुकदमा बनेगा नहीं। लेकिन फिर भी उनका इस तरह का व्यवहार मिसकंडक्ट में आ गया एज पर सर्विस रूल्स। इन्होंने रिटर्न में दे दिया कि मैंने सेकंड मैरिज कर ली विद द परमिशन ऑफ फर्स्ट वाइफ, ये सोचते हुए कि 494 का मुकदमा नहीं होगा। लेकिन बात आ गई यहाँ पे रूल 22 की, कि उन्होंने स्टेट से परमिशन नहीं ली थी। दोस्तों, ये जजमेंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन मेंशन किया, आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जानकारी पसंद आई होगी। जितना हो सके इसको फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।